Hello students, I'm Mohammad Tariq from Learn well with Tariq Sir. Today we study the chapter number third, two stories about flying from the English NCRT book Class 10th First Flight. And the it consists of two parts. First part is his first flight. It is a story of a seagull who was afraid to fly over. But his mother, father, sister, and brother.

आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं वर्ट वर्ट वर्ड बाय वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी देखेंगे सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम टू कंकरिंग द स्काईज़ बहुत ही पहले से बहुत ज़माने से बहुत ज़माने पहले ही से इंसानों ने ख्वाब देखा था आसमान को छूने का आसमान पर फतह पाने का और उसको हासिल करने का यानी आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने का हेयर आर टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग यहाँ पर दो स्टोरी है फ्लाई के बारे में उड़ने के बारे में अंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई एक स्टोरी है जो एक सीगल के बारे में है जो उड़ने से डरती है हाउ डज़ ही कंकर ही फेयर कैसे वो अपने डर पर काबू पाती है और कैसे वो उड़ना शुरू कर देती है एंड द सेकेंड वन इज़ अ पायलट इज़ लॉस्ड इन स्टॉम क्लाउड्स डज़ ही अराइव सेफ़ तो एक दूसरी कहानी पायलट की है जो तूफान के अंदर तूफ़ानी बादलों के अंदर लॉस्ट हो जाता है गुम हो जाता है क्या वो वापस आता है सेफ हु सिम और कौन उसकी मदद करता है ये सब चीज़ें हम दूसरे पार्ट में ब्लैक एरोप्लेन वाला जो पार्ट है इस स्टोरी का उसमें पढ़ेंगे तो आइए अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं जो कि यंग सीगल के बारे में है हिज़ फर्स्ट फ्लाइट हिज़ से रेफर किया जा रहा है चिड़िया को सीगल जो है उसको रेफ़र किया जा रहा है फ़र्स्ट फ्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान सीगल की पहली उड़ान के बारे में हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे यंग सीगल वॉज ऑन हिज़ लेज लेज बोलते हैं ए नैरो होरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ क्लिफ पहाड़ का जो निकला हुआ हिस्सा होता है बाहर की तरफ उसी बोल बोलते हैं ब्लेज तो एक सीगल ये लेज पर पहाड़ के बाहर निकले हुए किनारे पर बैठी हुई थी हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर उसके, भाई और, बहन, उसके भाई और उसकी बहन उसके दो भाई और उसकी बहन उससे एक दिन पहले ही उड़ चुके थे यानी उन्होंने उड़ना सीख लिया था ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम वो डर रही थी उनके साथ डर उनके साथ उड़ने में सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड जब भी कभी वो थोड़ा सा दौड़ती थी ब्रिंक मीन्स कनारा एज जब भी वो किनारे पर दौड़ कर जाती थी आ, लेज के उस क्लिफ के चट्टान के और कोशिश करती थी अपने पंखों को अपने विंग्स को फ्लैप करने के, के फड़फड़ाने की कोशिश करती थी ही बिकेम अफ्रेड वो डर जाती थी ये जो, जो सीगल है वो डर जाती थी देन ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेज डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन जो नीचे की जो सी थी वो बहुत ही लंबी चौड़ी थी माइल्स मीलों में वो फैली हुई थी और इस वजह से उसको देखकर इसकी हिम्मत नहीं होती थी इस सीगल की और वो डर जाती थी कि कैसे उड़ें इसके ऊपर कहीं कहीं इसमें गिर ना जाएं। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम सो ही बेंट हिज़ हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट वो यकीनी तौर पर महसूस करती थी कि उसके विंग्स जो हैं वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे कभी भी उसके विंग्स अभी इतने ज़्यादा मज़बूत और ताक़तवर नहीं हैं कि जिनके सहारे से वो उड़ सके हवा में इसलिए उसे हिम्मत नहीं होती थी लिहाजा वो अपने हेड को मोड़ती थी और वापस चली जाती थी उस छोटे से होल में जो लेज के उस क्लिफ और चट्टान के अंदर था जहां वो रात में सोती थी इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर होज्सर शॉर्टर देन हिज ऑन रैन टू द ब्रिंग फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दिद अपेयर टू हिम सो ड्रेड यहाँ तक कि जब उसके भाई और उसकी छोटी बहन जिनके विंग्स जिनके पंख जो है वर फार शॉर्टर than हिज ऑन इसके पंख से ज़्यादा छोटे थे बहुत ज़्यादा छोटे थे वो क्या करते थे वो दौड़ते थे चट्टान के किनारे पर अपने पंखों को फड़फड़ाते थे और उड़ जाते थे ही फेल टू अप मस्टर अप मीन्स गेदर together किसी चीज़ को इकट्ठा करना जमा करना वो अपनी हिम्मत को जमा करने में नाकाम हो जाता था फेल हो जाता था लिए टू टेक द प्लंज उड़ने के लिए डुबकी लगाने के लिए विच अपेयर टू हिम सो डिस्प्रेट जो इसके लिए बहुत मायूस कन होता था मतलब तो वो डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं कर पाता था कि कैसे आ, हवा में उड़ाया जाए यानी हवा में गोता लगाया जाए हवा में डुबकी लगाई जाए हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली अब ब्रेडिंग हिम Threatening to let him हिम off on his हीज unless he flew away. उसके फादर उसकी माँ और उसके बाप जो थे उसके आस पास रहते थे घूमते थे और उसको बुलाते थे श्रीली मीन्स थोड़ा सा तीखी आवाज में चिल्लाना तीखी आवाज में चिल्ला कर उसको बुलाते थे कि उड़ो 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 अप्र मीन्स स्कॉल्डिंग डराना। उसको डांटते थे उसको डांटते थे डपटते थे कि उड़ो उड़ो थ्रेटिंग टू लेट हिम स्ट्रेव उसको धमकाते थे कि वो उसको रात भर भूखा रखेंगे वो उसको भूखा रख के रखेंगे इससे पहले कि वो उड़े अगर वो नहीं उड़ती है तो उसको भूखा रहने की धमकी देते दे थे लेकिन उसे हिम्मत ही नहीं होती थी बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नाट मूव लेकिन जितनी उसकी ताकत थी उससे वो समझता था कि वो मूव नहीं कर सकता उड़ नहीं सकता देट वॉज ट्वेंटी फोर आवर्स अगो सिंस दे नो बडी हैड कम हिम चौबीस घंटे हो गए थे 24 फोर आवर्स अगो चौबीस घंटे हो गए थे पहले की बात है सिंस देन नो बडी कि कोई भी उस वक्त से कोई भी उसके पास नहीं आया था ना तो उसके फादर ना मदर ना सिस्टर ना ब्रदर कोई भी उसके पास नहीं आया था द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉचड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर परफेक्टिंग दम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट टीचिंग how हाउ टू स्किम waves एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश उससे एक दिन पहले पूरे दिन वो वो अपने पेरेंट्स को माता पिता को वो देखता रहा कि कैसे उड़ते हैं और वो ये भी ये भी देख रहा था कि कैसे उसके माता पिता उसके ब्रदर और सिस्टर को परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट फ्लाइट का जो आर्ट है उड़ने का जो फन है उसमें कैसे उनको परफेक्ट बना रहे हैं कैसे किस तरीके से उन्हें सिखा रहे हैं टीचिंग दैम हाउ टू स्किम स्किम मीन्स टू मूव लाइटली जस्ट अब अ सरफेस एंड सरफेस क्या था सी कि कैसे मूव सरफेस uh, के ऊपर से मूव करना है कैसे यहाँ से उड़ना है इस तरीके की बातें उसे सिखा रहे थे टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स जो समंदर की लहरें हैं उन समंदर की लहरों के ऊपर कैसे स्कीम करना है कैसे उड़ना है ये सब सिखा रहे थे एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश और किस तरीके से डाइव लगाकर कर कूद कर फिश को पकड़ना है मछली को पकड़ना है ये सब उसे सिखला रहे थे उसको सिस्टर uh, और ब्रदर को उसके माता पिता सिखा रहे थे ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ऑल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट हेरिंग मीन्स अ सॉफ्ट फिंड सी फिश एक सॉफ्ट फिंड वाली मछली है uh, बिलाखिर उसके जो भाई था उस भाई था उसने अपनी हेयरिंग को पकड़ लिया मतलब एक जो मछली थी सॉफ्ट विंग फिन वाली उसको पकड़ लिया एंड डिवोर इट डिवोर मीन्स होता है ईट टू ईट हंग्रीली और क्विकली किसी चीज़ को बहुत जब भूख लगी हो तो कैसे आदमी उसको खाता है जल्दी जल्दी खाता है तो और वो उसको जल्दी जल्दी खा रहा था स्टैंडिंग ऑन अ रॉक एक चट्टान के ऊपर बैठ कर हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल जबकि उसके पेरेंट क्या कर रहे थे माता पिता उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे और वो रेज कर रहे थे cackle. एक प्राउड कैकल एक कैकल जैसे साउंड निकाल रहे थे यानी उसको सेलिब्रेट कर रहे थे बहुत खुशी मना रहे थे जश्न मना रहे थे कि उनका आज लड़का इस काबिल हो गया कि वो फिश को पकड़ सकता है ड्राइव करके. कर डाइव लगा और कूद कर वो किसी तरीके से सी को सॉरी uh, फिश को पकड़ सकता है वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन बिग प्लेटो मिड वे डाउन अपोजिट क्लिफ टर्निंग हिम विद हिस कवर डिस और दूसरे दिन सुबह को पूरी सुबह पूरी फैमिली जो थी वो दूसरे एक अपोजिट में जो प्लेटो था उसके ऊपर बैठी हुई थी अपोजिट में जो प्लेटो था उस पर बैठी हुई थी प्लेटो बोलते हैं समतल जमीन को उस पर बैठी हुई थी और क्या कर रही थी टॉनिंग टॉन होता है किसी को ताना देना किसी का मजाक उड़ाना और वो सब पूरी फैमिली इसका मजाक उड़ा रही थी इसके कवर्डिस का कवर्डिस मींस बुजदली का के बुजदिल होने का इसके टिमिड होने का कि डरपोक है बुजदिल है उड़ नहीं पाता इस तरह ताना दे रही थी ताकि उसके अंदर हिम्मत बढ़े और वो जोश में आकर उड़ जाए लेकिन क्या होता है आगे देखते हैं द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ सूरज निकल रहा था आसमान से ब्लैजिंग ऑन हिज लेज और जो वो किनारा था उस किनारे को को वो गरमा रहा था यानी जमीन अब जब सूरज निकलता है तो वो जमीन को गरमाता है दैट फेस द साउथ जिसकी तरफ साउथ की तरफ जब वो अपना चेहरा करके बैठा हुआ था ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट हिटर्न सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल हीट मीन्स भूख हंगरनेस वो भूख महसूस कर रहा था क्योंकि उसने राथ, पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था He stepped slowly out to the the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye, then the other. देन द्या किया कि वो धीरे धीरे चंद कदम उसने बढ़ाया और कहाँ तक पहुँचा उस लेज के उस चट्टान के किनारे पर अनस्टैंडिंग और वो खड़ा रहा अपने एक पैर पर एक पैर पर, पर खड़ा रहा जबकि उसने अपने दूसरे पैर को छुपा लिया अपने पंखों के नीचे अपने विंग्स के नीचे और फिर उसने ही क्लोज वन आई अपनी एक आंख बंद कर ली देन अदर फिर दूसरी आँख बंद कर ली और फिर वो क्या कर रहा था एंड पिटेंटेड टू बी फॉलिंग अ स्लीप और वो ऐसा दिखावा कर रहा था मक्कारी कर रहा था कि जैसे कि वो सो रहा हो स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम फिर भी जो उसके पेरेंट्स थे माता पिता थे उसकी फैमिली में से किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया ख्याल नहीं किया क्योंकि वो क्या कर रहा है ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट डोजिंग विद देयर हेड्स संग इन टू देअर नीक्स उसने देखा कि उसके दो जो भाई हैं और बहन हैं वो प्लेटों पर पड़े हुए हैं डोजिंग मीन्स झपकी लेना सो रहे हैं विथ देयर हेड संक इंटू देअर नेक जबकि उनके हेड गर्दन जो है वो उनके नेक सॉरी उनके सर उनके गर्दन के नीचे छुपे हुए हैं वहां रखे हुए हैं हिज फादर वॉज प्रंग दिज वाइट बैक प्रिनिंग मीन्स होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेटेन फिदर पंख को साफ करना उसको तरतीब देना तो उसके फादर उसके पंख को उसके जो वाइट बैग पर साफ़ कर रहे थे उसको कादे से रख रहे थे सही कर रहे थे ओनली हिज़ मदर वॉज लुकिंग एट हिम सिर्फ उसकी माँ जो है उसको देख रही थी क्योंकि माँ को पता है कि वो भूखा है रातों से इसलिए माँ के दिल में कि जो ममता होती है वो उससे ख़त्म नहीं होने दे पा दे पा रही थी उससे दया आ रही थी कि उसका जो बच्चा है वो भूखा है वो सिर्फ उसको देख रही थी ओनली लिटिल हाई हम ऑन अ प्लेटो वो उसकी माँ जो है वो बैठी हुई थी एक थो, थोड़ी सी ऊंचाई पर हम होते हैं कोहान को ऊंट के ऊपर का जो उभार होता है हम देखते हैं उसी को बोलते हैं हम्प तो प्लेटो के हम पर थोड़ी सी ऊंचाई पर बैठी हुई थी हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड थर्स्ट मींस पुश ब्रेस्ट मींस सीना जो उसका सफेद सीना था वो क्या आगे की तरफ निकला हुआ था पुश कर रहा था नाव एंड अगेन शी शिटोर एट अ पीस ऑफ फिश फिशोर एट पीस ऑफ फिश दैट लेट हर फीट एंड देन स्क्रैप इच साइड ऑफ हर बेग ऑन द रॉक फिर वो क्या करती थी कि वो जो फिश का टुकड़ा था उसे तोड़ती थी जो उसके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था एंड देन स्क्रैप का मतलब होता है साफ़ करना और फिर वो साफ कर रही थी अपने चोच को बीक चोच को बार बार टू वेट इट वेट मीन्स टू शार्प इन उनको तेज करने के लिए ताकि वो और आसानी से मछली को काट सके मछली के टुकड़े कर सके ग ग ग ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम फूड वो चिल्ला रहा था गा 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 करके और वो बेग कर रहा था अपनी माँ से कि वो उसके लिए थोड़ा सा खाना ले आए लेकिन उसकी माँ ने कैसे रिप्लाई किया देखिए गा कॉल अ शी स्क्रीम्ड बैक ड्राई सिवली उसकी माँ ने ताना देते हुए ड्राई सिवली होता है Uh, जैसे किसी को बोलना कि तुम बेवकूफ़ हो स्टूपिड इन मैन आ शोविंग समवन दैट ही इज़ स्टूपिड ये दिखलाना कि तुम बेवकूफ़ हो इस तरीके से उसे ताना देते हुए चिल्लाई उसकी माँ बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली लेकिन वो भूख के मारे दर्द से दुख से वो चीख रहा था चिल्ला रहा था बुला रहा था एंड आफ्टर अ मिनट आर सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम और फिर एक मिनट के बाद या ऐसे ही वो खुशी से चिल्ला उठा अ जॉयफुल स्क्रीम खुशी से चिल्ला उठा क्या हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट उसने देखा कि उसकी माँ ने वो फिश का एक टुकड़ा पिक किया है और उसको लेकर उसके पास आ रही है उड़ते हुए ही लीन्ड आउट इगर्ली ट्रैपिंग द रॉक विद हिस फीट ट्राइंग ही लीड आउट एगर्ली ट्रैपिंग द रॉक विद हिस्स फीट ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एशी फ्लू अक्रॉस उसने देखा वो उसकी तरफ झुका वो आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा और झुका इगर्ली बेसबरी के साथ और अपने पैर को रॉक पर अपनी फीट को रॉक पर टैप कर रहा था थपथपा रहा था और कोशिश कर रहा था और भी उसके करीब जाने की ऐशी फ्लू अक्रोच जो हैं वो उसके पास उड़कर आती बट वन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम लेकिन जब जब उसकी माँ उसके थोड़ा सा करीब पहुँची शी हॉल्टेड। हॉल्टेड मीन स्टॉप वो रुक गई हर विंग्स मोशनलेस। उसके विंग्स जो थे वो मोशनलेस हो गए उसमें कोई हरकत नहीं रह गई अब वो अपने पंख को अपने विंग्स को फड़फड़ा नहीं देती वहीं पर ठहरी हुई थी द पीस ऑफ फिश इन हर बेग ऑलमोस्ट विद इन दिश ऑफ इस बैग बीक उसकी माँ के बीक में चोच में जो फिश का टुकड़ा था वो टुकड़ा बस इसके बीक में पहुंचने ही वाला था लेकिन तभी उसकी माँ के जो विंग्स थे वो मोशनलेस हो गए ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज उसने एक हैरत से थोड़ी देर उसने इंतजार किया वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर वो परेशान हो रहा हो रहा था कि क्यों उसकी माँ आगे नहीं बढ़ रही थी एंड देन मेडन बाई हंगर और वह भूख से बिल्कुल पागल हो जा रहा था बिल्कुल बेकाबू हो जा रहा था ही डाइव्ड अट अ फिश उसने बिलाखिर क्या किया फाइनली ही उसने डाइव लगा दिया फिश पर विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन टू द स्पेस तभी एक तेज़ आवाज के साथ उसने वो ऊपर और नीचे की तरफ जाने लगा वो आगे और पीछे जाने लगा कहाँ स्पेस में जो खाली जगह थी सी और चट्टान और क्लिफ़ के बीच में जो जा खाली जगह थी वहाँ उस वो स्पेस में ऊपर नीचे होने लग गया देन अस्ट्रस ट्रीज ड्रीम एंड हार्ट स्टूड स्टिल मॉन्स्ट्रस मीन्स खतरनाक एंड ट्रर मीन्स खौफ डर तभी एक खौफनाक डर ने क्या किया उसे घेर लिया एंड हार्ट स्टूड स्टिल और उसका दिल बिल्कुल रुक गया उसके जो बीटिंग थी हार्ट बीटिंग वो रुक गई कि अब कुछ भी नहीं हो सकता ही कुड हियर नथिंग वो कुछ भी नहीं सुन सकता था बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट लेकिन ये चीज एक मिनट में खत्म हो गई एक मिनट चीज़, एक मिनट तक ये चीज रही द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स फिर उसने महसूस किया अगले ही लम्हे में अगले ही क्षण में कि उसके विंग्स जो हैं वो आगे की तरफ फैल रहे हैं उसके अब वो इसकाबिल हो गया कि उसके पंख तैयार थे कि वो स्प्रेड हों और फिर फ्लाई कर जाएं द वस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फिदर्स उसके हवा उसके सीने से और पंख से टकरा रही थी देन अंडर हिज स्टमक फिर उसके पेट से एंड अगेंस्ट हिज विंग्स और उसके पंख से ही कुड फील द टिप्स ऑफ द ऑफ़ विंग्स कटिंग थ्रू द ईयर उसने महसूस किया कि अब उसके विंग्स को हवा जो है हवा के ज़रिए से उसके विंग्स जो हैं वो हवा चीरते हुए उसके विंग्स को निकल रही है और अब वो ऐसा लगा कि अब वो उड़ जाएगा ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाव वो अब नहीं गिरेगा सर के बल अब नहीं गिरेगा इसलिए कि उसे लग रहा था कि हवा अब उसको उसके पंख के टिप को चीरते हुए निकल रही अब वो उड़ जाएगा फिर क्या हुआ ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेट वो बहुत ज्यादा तक डरा हुआ नहीं रहा ही जस्ट फेल फेल्ड अट डीजी डीजी एंड अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड द लॉजिंग वंस बैलेंस कहते हैं कि डिजी होना अन ईजी हो जाना अपना आपा खो देना कंफर्टेबल ना रहना तो इस हालत में वो पहुंच गया था उसने अपने आप को थोड़ा सा महसूस किया कि वो कंफर्टेबल नहीं है देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स वर्ड्स मींस शोर कहते हैं हरकत देना फिर उसने क्या किया कि ही वाज नॉट फॉलिंग हेट ही वाज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स वो धीरे धीरे हरकत कर रहा था आगे बढ़ रहा था ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड वो उसके अंदर अब बहुत ज्यादा डर नहीं बच गई थी ही जस्ट फेल्ट अब बिट डिजी उसने थोड़ा सा डिजी महसूस किया देन ही फ्लैप हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स फिर उसने अपने विंग्स को फड़फड़ाया एक मरतबा और उसके आगे की तरफ हरकत करने लगा आगे की तरफ बढ़ने लगा ग ग ग ग ग ग अ हिज मदर सुप्ड पास्ट हिम इस तरह की आवाज निकालकर उसकी मां उसके पास से गुजरी सुब्ड मिस्ट तेजी से गुजरना अ लाउड नॉइस उसकी मां की आप जो पंख थे उससे तेज आवाजें निकल रही थी ही He another स्क्रीम उसने चिल्लाकर अपनी मां को रिप्लाई किया देन हिज फादर फ्लू ओवर हिज स्क्रीमिंग फिर उसके पापा जो थे फादर वो भी उसके पास हिल्लाते हुए उड़ने लगे ही सॉ हिस्ट टू ब्रदर एंड ही फ्लाइंग अराउंड हिम क वेटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड एंड ड्राइविंग उसके सिस्टर उसके ब्रदर सब उसके पास उड़ने लगे कमिंग मीन्स होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स हॉर्स की तरह मुड़ना झुकना लीप करना घूमना एंड बैंकिंग मीन्स होता है uh, एक पंख को ऊपर जबकि दूसरे को नीचे रखना उसके एक पंख ऊपर थे दो से नीचे थे अनसोरिंग शोरिंग मीन्स हरकत करना उड़ना एंड डाइविंग मीन डाइव लगाना गोता लगाना डुबकी लगाना तो अलग अलग तरीके के, के जो उड़ान होती थी उस तरीके से सबके सब उड़ रहे थे उसको दिखाने के लिए देन ही कंप्लीटली फोगो दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई फिर वो बिल्कुल भी भूल गया कि उसे उड़ना आता ही नहीं अनकमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिकिंग श्रीली फिर उसने फिर वो उड़ने लगा अपने आप को लगा दिया कि अब वो उड़े जैसे चाहे चाहे वो डाइव करे चाहे शोर करे चाहे कर्व करे और वो श्रिकिंग श्रीली और वो तेज तेज से अब चिल्ला रहा था ही वॉज नियर द सी नाव अब वो बिल्कुल समंदर के करीब हो चुका था नीचे की तरफ यानी फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन वो उसने देखा कि उसके नीचे की समंदर है और वो उसके ऊपर उड़ रहा है उसको फेस कर रहा है ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी ब्री थिम उसने अपने नीचे देखा कि एक बड़ी सी ग्रीन सी है विद लिटिल रिज और उसमें से रिज का मतलब होता है लहरें और उसमें से लहरें मूविंग ओवर इट ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड एम यूजली और उसने फिर अपने बीक को अपनी चोंच को किनारे किया और काए काएँ करने लगा हैरत से आवाज़ उसने निकालना शुरू कर दिया काँ 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 करने का सीगल हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ली हैड लैंड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग हैड ऑफ हिम उसके पेरेंट्स माता पिता उसके भाई और बहन लैंड कर रहे थे उस ग्रीन सी में उस ग्रीन सी के सरफेस uh, पर बेकोनिंग बेकोनिंग मीन्स होता है आ, इशारा करना क्या कर रहे थे इशारा उसको इशारा कर रहे थे कॉलिंग श्रीली और जोर जोर से चिल्ला रहे थे ही ड्रॉप हिज लेग्स टू इंस्टैंड ऑन द ग्रीन सी वो अपने लेग को ड्रॉप कर रहे थे छोड़ रहे थे उस ग्रीन सी पर खड़े होने के लिए हिज लेग इन जब उसने ऐसा किया सीगल ने तो उसका जो लेग था वो उसमें डूब गए

उठ नहीं सकता था एग्जॉस्टेड बाई द स्ट्रेंज एक्सरसाइज वो थक चुका था इस अजीब व एक्सरसाइज से कोई पहली मरतबा उड़ रहा था इस वजह से बहुत ज़्यादा थक चुका था हिस् फीट सेंक इन टू द ग्रीन सी उसके कदम ग्रीन सी में डूब चुके थे एंड देन हिज बेली टच इट और फिर उसका बेली मिज स्टमक पेट और उसका पेट अब उससे टच कर गया था एंड ही सेंक नो फर्दर और अब वो लेकिन वो अभी डूब नहीं रहा था He was फ्लोटिंग ऑन इट वो उसके ऊपर तैर रहा था एंड उसके अराउंड उसके इर्द गिर्द उसकी, उसकी पूरी फैमिली चिल्ला रही थी praising हिम एंड their बीक्स were ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश उसकी तारीफ कर रही थी और उनके बीक्स जो थे उनमें डॉग फिश के स्क्रैप टुकड़े थे जो उसको ऑफर किए जा रहे थे कि खाओ ताकत बनाओ और फिर से उड़ने की कोशिश कर लो ही हैड मेड फर्स्ट फ्लाइट इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बतलाएँ और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल दिन टेक केयर एंड हैव फन